कर लेते हैं। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? आप थोड़ा तेज बोले प्लीज। रोहित। रोहित, एक जागरूक व्यक्ति को किस आधार पर वोट करना चाहिए? विकास के आधार। विकास के आधार पर? अभी जो दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं तो आप किस आधार पर वोट करेंगे? विकास के आधार पर। हाँ, धन्यवाद भाई का जुड़ने के लिए। एक और भाई बैठे हैं, उनसे भी डाल लेते हैं। नमस्कार भाई, आपका नाम क्या है? सेम है, अभिनव। अभिनव, एक जागरूक व्यक्ति को किस आधार पर वोट करने चाहिए? भाई ने बताया विकास के आधार पर। धन्यवाद भाई जुड़ने के लिए। एक और भाई बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे भाई बैठे हैं, तो अभी से जानेंगे। उनकी अपनी अपनी अलग अलग राय हो सकती है, अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? हर्षित। अभी तो दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं लोकसभा के, आप किस आधार पर वोट करेंगे? आपका वोट है या नहीं? पहले अभी आपका नहीं है, फिर भी आपको क्या लगता है किस आधार पर करने चाहिए? स्कूल जाते हैं आप? ओके, मतलब ये तो पता होता है ना एक बच्चे को। तो किन चीज़ों में पढ़ते हैं? कुछ मैच क्रिकेट देखते हैं? नहीं, मैच नहीं। क्या देखते हैं? कुछ तो देखते होंगे, कुछ पसंद है, क्या पसंद करेंगे? ठीक है भाई, कह रहे हम ये चीज़ें नहीं देखते हैं। और कुछ देखते हैं जो कुछ आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? नहीं, आपको कुछ पसंद हो, मैं एग्जांपल क्यों दूंगा? टिकटॉक के कुछ फेमस 5 स्टार के नाम बताएंगे? बताओ, 5 स्टार जो टिकटॉक के 5 स्टार है। ठीक है, घूमने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे एक और भाई बैठे हैं, तो उनसे भी जान लेते हैं। नमस्कार भाई, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है भाई? भाई मेरा नाम राहुल है। राहुल, अभी तो दिल्ली में इलेक्शन होने वाले हैं, किसी आधार पर करेंगे वोट? भाई जी देखिए, सबसे बड़ी बात यही है कि हर पार्टी का अपना अपना स्टेटस होता है। किसी पार्टी के नेगेटिव पॉइंट होते हैं तो किसी के पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। आज प्रेजेंट में बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसे हिंदुत्ववादी है, क्योंकि किसी भी रिलीजियस वे में देखा जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी का भी ऐसा ही हाल है कि कांग्रेस पार्टी में चोर है या फिर मतलब फ्रॉड है या फिर करप्शन वाले लोग हैं। मेरा मानना यह है कि बेशक से बीजेपी जैसी भी पार्टी है, बीजेपी ने मतलब कुछ काम ऐसे पॉजिटिव करे हैं जिससे मतलब देश का डेवलपमेंट हो सकता है। पर हाँ, ICMI एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उसकी रिपोर्ट के अनुसार, अभी रिपोर्ट आई है 10-15 दिन पहले ही, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो 7.2% की रेट से बढ़ रहा है। तो ये हमारे देश की दुर्भाग्य वाली बात है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, स्पेशली जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें। आपने अभी यहाँ पे बोला है कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, तो आप उसको बताइए कुछ बीजेपी के पॉजिटिव पॉइंट, कोई एक दो बताइए। पॉजिटिव पॉइंट में सबसे बड़ी बात है टेररिज्म। आप अब देख लीजिए, प्रेजेंट में टेररिस्ट अटैक हमारे इंडिया पर 32 जब से बीजेपी सरकार उसमें आई है सत्ता में, 2014 से 2019 के बीच में 32 अटैक्स हुए हैं। उन्होंने मरने वाले की संख्या देख लीजिए, और यदि मतलब मरने वाले की संख्या भी मतलब बहुत कम हुई है, प्लस अटैक्स भी जो हैं बहुत कम हुआ है, चाहे वो कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो, हिंदू से रिलेटेड हो, इस्लाम से रिलेटेड हो, किसी से रिलेटेड हो। पर हाँ, इसके साथ साथ मतलब एक तरह से धर्म की जो महत्वता है, इंपॉर्टेंस है, वो ज़्यादा बड़ा है, स्पेशली जो मेजोरिटी में है इंडिया में, चाहे वो हिंदू हों या फिर कोई भी रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो ये चीज़ है बस। तो यहाँ पे हमारे एक भाई थे, क्या नाम था आपका? जी मेरा नाम राहुल। राहुल, तो राहुल भाई की आपने यहाँ पे सुनी होगी, उन्होंने क्या बोला है, किस आधार पर वोट करेंगे? तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई।